बचपन से हमें एक कहानी सुनाई जाती थी कि एक डाकू होता है जो अमीरों को लूटता है और सारे पैसे गरीबों में बांट देता है। ये बात हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि मनी डजंट मैटर, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। ये बात आप तब कर सकते हैं जब आपने बहुत सारा पैसा बना लिया हो। हमारी सोसाइटी में लोगों को सही से पता भी नहीं है कि पैसा होता क्या है, और दूसरी बात यह है कि हम लोग पैसा कमाना भी नहीं चाहते क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से बचने के लिए हम सिंपली ये कह देते हैं कि मनी डजंट मैटर, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। लेकिन डीप डाउन हम सब लोग जानते हैं कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ये नहीं बोला कि मनी इज़ एवरीथिंग, आई सेड मनी इज़ इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जिनसे आपको ये पता चलेगा कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, पैसा काम कैसे करता है, क्या वजह है कि हर आए दिन अमीर से अमीर तर और गरीब गुर्बत में डूबता चला जा रहा है, क्या अमीर वाकई में टैक्स देते हैं, इस्लाम में ज़्यादा पैसे कमाना कैसा है। तो चलते हैं पहली टिप की तरफ, और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। हमारे माशरे में एक आम आदमी 22 से 24 साल की उम्र के दरमियान पैसा कमाना शुरू करता है, और बाकी दुनिया में इस उम्र के लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके होते हैं। अब चूँकि हम लोग देर से पैसा कमाना शुरू करते हैं तो हमें पैसे की अहमियत का अंदाज़ा भी बहुत देर से होता है। यूँ समझिए कि इंसान को किसी भी मुश्किल की हकीकत का पता उस वक्त चलता है जब वो खुद उस मुश्किल का सामना करता है। पैसे के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर एक वालिद अपने बेटे को ये समझाना चाहता था कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसे ज़ाया ना किया करो, लेकिन बेटे को ये बात समझ ना आती। आखिरकार वालिद ने तंग आकर अपने बेटे को बोला कि कल तुम काम पर जाओगे, कुछ पैसे कमाओगे और शाम को मुझे दिखाओगे। शाम को जब वालिद घर आया तो बेटे ने वालिद को कुछ पैसे दिखाए। वालिद ने जैसे ही वो पैसे देखे तो वो समझ गया कि ये इसने खुद नहीं कमाए हैं। अगले दिन फिर वालिद ने बेटे को बोला कि कल तुम फिर जाओगे और कुछ पैसे कमा कर लाओगे और मुझे दिखाओगे। शाम को जब वालिद घर आया तो फिर बेटे ने कुछ पैसे दिखा दिए, लेकिन वालिद ने जैसे ही वो पैसे देखे वो समझ गया कि इसने ये खुद नहीं कमाया बल्कि किसी से मांग के मुझे दिखा दिए। अगले दिन वालिद ने सारे फैमिली मेम्बर्स को, सारे रिलेटिव्स को, सारे दोस्तों को मना कर दिया कि कोई भी इसको पैसे नहीं देगा। अब बेटे को कोई ना कोई काम तो करना ही था, चुनांचे वो घर से निकला। सारा दिन मेहनत मजदूरी और मुशक्कत करके उसने थोड़े से पैसे बनाए और शाम को वो घर वापस आ गया। जब वालिद शाम को घर वापस आया तो जैसे ही उसने बेटे को देखा तो उसे पता चल गया कि आज इसने कोई काम किया है। खैर, उसने बेटे को बुलाया, उससे पूछा कि आज तुमने क्या किया है, तो बेटे ने बड़ी खुशी से वो पैसे अपने वालिद को दिखाए कि ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं। वालिद ने जैसे ही वो पैसे पकड़े तो उन्हें आग लगा दी। अब जैसे ही वो पैसे जलना शुरू हुए तो बेटे ने रोना शुरू कर दिया, और वालिद यही बात बेटे को समझाना चाहता था कि जब इंसान खुद पैसे कमाता है तभी उसको उन पैसों की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इसीलिए जब तक आपका बच्चा, आपका छोटा, आपका भाई खुद पैसे नहीं कमाएगा तब तक उसको पैसों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा। टिप नंबर 2 है हाउ मनी वर्क्स। इंडिया में एक शो लगता है कौन बनेगा करोड़पति। कुछ साल पहले सुबह बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक बिहारी फूल जी ने उस शो में से 5 करोड़ रुपए जीत लिए। फूल जी की तो लॉटरी निकल आई, फूल जी एकदम से अमीर हो गए। लेकिन आपको पता है कि फूल जी आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल फूल जी दूध बेच रहे हैं। और ये सिर्फ फूल जी की बात नहीं है, दुनिया में 99% लोग जो लॉटरी जीत कर अमीर बनते हैं वो अगले 5 सालों में सड़क पर आ जाते हैं। मसला ये है कि एक आम आदमी और एक गरीब आदमी पैसे की साइकोलॉजी से नावाकिफ होता है। पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उस पैसे को कंट्रोल कैसे करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स बता देता हूँ। जब भी आपको कोई चीज़ खरीदनी हो तो आपको एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हर वो चीज़ जहाँ पे आपका पैसा ग्रो होता है, बढ़ता है, वो आपका एसेट है, और हर वो चीज़ जहाँ पे आपका पैसा रुक जाता है, डंप हो जाता है, वो आपकी लायबिलिटी है। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, ये सारी लायबिलिटीज़ हैं। अब आपको चूज़ करना है कि आप अपना पैसा एसेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर लायबिलिटीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं। टिप नंबर 3 है हाउ टू जनरेट मोर मनी। देखें, जॉब से पैसा कमाना आसान है, पैसे से पैसा कमाना ये मुश्किल है। अब मसला ये है कि हम सारी ज़िंदगी जॉब नहीं कर सकते, किसी ना किसी स्टेज पे जाकर हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। वजह यह है कि जॉब से हम एक मखसूस हद तक पैसा कमा सकते हैं। उस मखसूस हद से आगे निकलने के लिए हमें अपने साथ बहुत सारे लोग मिलाने पड़ेंगे, एक टीम बनानी पड़ेगी, हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, और हमें पैसिव इनकम आइडियाज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। देखें, जेफ बेजोस और एलन मस्क अपने बिजनेस को खुद नहीं देखते बल्कि उनके पास एक टीम होती है जो उनके बिजनेस के छोटे छोटे कामों को सॉल्व करती है। वॉरेन बफेट ने स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया और फिर वहाँ से पैसे बनाए,
और जितने भी लोग फाइनेंशियली स्मार्ट होते हैं उनके पास पैसिव इनकम आइडियाज़ होते हैं, यानी कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है और पैसे बनाता है। और ऐसा नहीं है कि वो खुद रात दिन बैठ के काम करते रहते हैं, वो खुद बैठ के सिर्फ सोचते हैं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, उनका पैसा उनके लिए रात दिन एक करता है और पैसे बना रहा होता है, और ये लोग खुद बैठ के नए आइडियाज़ और नए सोर्सेज के बारे में सोच रहे होते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको पैसे से पैसा कमाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपको पैसिव इनकम आइडियाज़ के बारे में सोचना पड़ेगा और आपको टीम बिल्डिंग करनी पड़ेगी। टिप नंबर 4 है टैक्स ऑन मोर मनी। बचपन से हमें एक कहानी सुनाई जाती थी कि एक डाकू होता है जो अमीरों को लूटता है और सारे पैसे गरीबों में बांट देता है। सारी दुनिया के गरीब अपने बच्चों को यही कहानी सुनाते हैं, जिसमें रॉबिन हुड नाम का एक डाकू अमीरों को लूटता है और फिर वो सारे पैसे गरीबों में बांट देता है। फिर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया और हमें बताया गया कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो आप पे टैक्स ज़्यादा लगेगा, और हम जैसे गरीब ये बात सुनकर ही खुश हो जाते हैं कि अमीरों पर हमारी रियासत बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। आप यकीन मानें, ये सब झूठ है। अगर एक बंदी की प्रॉपर्टी 10 अरब है और वो 10 लाख रुपए टैक्स के तौर पर दे रहा है तो फिर वो टैक्स नहीं है। दर हकीकत पूरी दुनिया में अमीर के हाथ पार्लियामेंट तक लंबे होते हैं, और हर वो लॉ और हर वो टैक्स जिससे अमीर को मुश्किलात का सामना हो सकता है उसको अमेरिका समेत किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट में पास ही नहीं होने दिया जाता है। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात। गरीब चाहे अमेरिका का हो या पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा टैक्स उसे ही देना पड़ता है, और अमीर पार्लियामेंट में अपनी मौजूदगी से ये फ़ायदा उठाता है कि वो टैक्स लॉज में ऐसे लूप होल्स बनवाता है जिनमें सिर्फ गरीब ही फंसता है। और फिर जो हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन होती है कि अमीर टैक्स बहुत ज़्यादा देता है या फिर जिस बंदे के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो वो टैक्स ज़्यादा देगा, मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूजन हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। और ये सारी बातें मैं खुद से नहीं कह रहा, अगर आप रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन पर लिखी गई कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में यही असूल चलता है। टिप नंबर 5 है मिसकंसेप्शन ऑफ मनी इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में रिलीजियस लीडर ये कहते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, और दूसरा तबका ये कहता है कि पैसा ही सब कुछ है, और हम जैसी नई जनरेशन इसी कन्फ्यूजन में मारी जाती है कि पैसा इम्पोर्टेंट है या नहीं है, यानी हमें पैसे की सही वैल्यू का पता ही नहीं चलता। देखें, पैसा इम्पोर्टेंट है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जिस इंसान की सेहत ठीक है ना वो गरीब नहीं है। बिल्कुल इसी तरह दुनिया में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अहमियत पैसे से बहुत ज़्यादा है, और इस्लाम हमें ज़्यादा पैसे कमाने से नहीं रोकता। इस्लाम हमें वो कवानीन और वो असूल बताता है जिन पर अमल करके हम ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अगली दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि गैर मुसलमों ने इस्लाम के इन असूलों पर अमल किया और आज वो दुनियावी कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं, और मुसलमान ये समझता है कि झूठ, बदनवानी और फरेब के बगैर उसका कारोबार ही नहीं चल सकता। और जो लोग कहते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग, तो देखें, कारून इस दुनिया का अमीर तरीन इंसान था, उसके ख़जाने की चाबियां उठाने के लिए एक ताकतवर जमात की ज़रूरत होती थी, और फिर वो कहने लगा कि ये जो मेरे पास पैसा है, जो मेरे पास ख़जाना है, ये मेरी स्किल और मेरे हुनर की वजह से है। और फिर वो इतराने लगा और फिर अल्लाह ताला ने उसके महल को ज़मीन में धंसा दिया। जब लोग सुबह उठे तो कुछ भी बाकी नहीं था। देखें, एक आयत है वह वज़हल मीज़ान। इस आयत में इतनी खूबसूरती और इतनी गहराई है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मौजूद एक छोटे से छोटे ज़र्रे को एक मखसूस वैल्यू, एक मखसूस इम्पोर्टेंट, एक मखसूस वक़्त और एक मखसूस मुकाम अता किया है। अब हमें चाहिए कि जिस चीज़ की जितनी वैल्यू है, जितनी वक़्त है, जितनी अहमियत है, उसको उतनी ही वक़्त और अहमियत दें, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मनी इज़ इम्पोर्टेंट बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.